के घर से भगा अपना parking कर लिए जा रही हूँ खर जा रही हूँ पीट ना, पीट के मैं भगा रहा हूँ मेरे को पीट पीट के भगा रहे हैं हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इतना बड़ा सा सूटकेस निकाल के मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ कुछ साड़ियाँ निकाल रही हूँ जिसकी मुझे अभी ज़रूरत है तो जो भी साड़ियाँ अभी आप लोग ऊपर देख रहे हो सूटकेस के ऊपर ये आप लोग देख चुके हैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ बट अभी बहुत सारी साड़ियाँ हैं मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ तुरंत ही शेयर करने वाली हूँ मैंने कहा था ना कि मैं सब साड़ियों का जो वीडियो है शेयर करूँगी जल्दी ही तो अभी बैक कैमरा में पीछे हैं पतिदेव और पतिदेव से मैं बात कर रही हूँ कि कौन कौन सा साड़ी निकालू और मैं हंस रही हूँ कि आप आगे क्यों नहीं आ रहे हैं वो नहीं आना चाहते हैं ज़्यादा बट फिर भी कभी कभी मैं खिंचलाती हूँ ये जो सूटकेस आप लोग देख रहे हैं ये माके से मेरी शादी में मिला हुआ है पापा दिए थे उस टाइम जितने भी मुझे कपड़े वगैरह और जितने भी चीजें मिले थे ना सब ज्यादातर मतलब सारे चीजों के कलर रेड कलर का ही था तो सूटकेस भी जो मिला था वो भी रेड कलर का है बट बहुत ज्यादा बड़ा है इसको ना कैरी करने में बहुत दिक्कत होता है कहीं ले जाने लाने में मेरे को पीट-पीट के भगा रहे हैं चलो भागो, इस, भागो 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 झोले पोटो में पोटों का काट रही झोले में ही पैक कर दिए सामान मेरा आ, क्या करना ज्यादा लेके जल्दी लगे जाओ बस भागो यहाँ से चलिए तो मैं घर जा रही हूं बाय बाय जैसे कि आप लोग पतिदेव से सुने कि पतिदेव कह रहे हैं कि मैं रवीना को मार्के भगा रहा हूँ यहाँ से और रवीना पैकिंग कर रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैं कुछ साड़ियों को निकाल के ले जा रही हूँ ब्लाउज सिलने के लिए देने के लिए क्योंकि करवा चौथ आ रहा है और दिवाली भी आ रहा है और दशहरा भी आ रहा है तो इसलिए मैं सोची कि जो भी साड़ियाँ हैं ना उनका कम से कम ब्लाउज़ सिलवा लूँ और फॉल् भी को करवा लूँ तो अभी हम लोग आए हैं दर्जी के पास और यहाँ पर मैं आज चार साड़ियाँ ले आई हूँ चार साड़ी मैं दे रही हूँ दर्जी को सिलने के लिए फिको और फॉल करने के लिए और ये एक जो ये बंदे साड़ी थी ना प्रिंटेड आ, वो वाला साड़ी का मैं ब्लाउज़ सिलवा रही हूँ तो देखती हूँ कि बंदेज साड़ी मतलब दिवाली पे पहनूंगी या फिर दशहरा पे या फिर करवा चौथ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि रवीना ये जो साड़ी है चुनरी वाली वही वाला पहनना चौथ पर तो देखती हूँ अभी जैसा देखा जाएगा समय आएगा तो और यहाँ पे बुकलेट दिए थे दुकान वाले भैया दर्जी जो हैं वो कि आप डिज़ाइन देख लो और डिज़ाइन सेलेक्ट करके मुझे बता दो तो वही मैं डिज़ाइन देख रही थी और एक ही ब्लाउज अभी मैं सिलवा रही हूँ यहाँ पर और भी तीन चार ब्लाउज सिलवाना है तो अभी आगे आने वाले दिनों में सिलवाऊँगी आज बस एक ही ब्लाउज देने के लिए आई हूँ दर्जी के पास कुछ और साड़ी मैंने दे दिया है दर्जी को सिलने के लिए ब्लाउज सिलने के लिए दे दिया है और जो चार साड़ी लेके आई थी वो पिको फॉल के लिए दे दी हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं आलमबाग चंद्र नगर मार्केट तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ गाइस तो हम लोग पहुंच चुके हैं आलमबाग बाग चंद्रनगर मार्केट जहां पे मतलब हर चीज़ें सस्ते मिल जाते हैं ये लखनऊ का चीपेस्ट मार्केट है और आप यहां पे कभी आना चाहो तो जरूर आना अगर आप लखनऊ के हैं तो आप तो आते ही होंगे अदरवाइज़ अगर आप इधर उधर मतलब कहीं और कोई और सिटी के होंगे तो आप लोग कभी लखनऊ आइएगा तो जरूर आइएगा लखनऊ का आलमबाग बाग का चंद्रनगर मार्केट जहाँ पर बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती हैं जो भी आपके रेगुलर जो भी आपके नीड्स होते हैं ना जो भी ज़रूरत की चीज़ें होते हैं बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं और मतलब यूजफुल भी होते हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मैं आई हूँ ज्वेलरी के शॉप पे और यहाँ पे इस तरह से कुछ ज्वेलरी बिकता है और यहाँ पे जितने भी ज्वेलरी आप लोग को दिख रहे हैं ना सब पचास रुपए के हैं कुछ भी लो आप सब पचास रुपए के हैं तो यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ चंदन चंद्रनगर मार्केट में इस दुकान पे ज़रूर आती हूँ और यहाँ पे मतलब हर चीज़ बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाता है एक तो पचास रुपये में कोई भी चीज़ लो मिल जाता है और बहुत अच्छे भी रहते हैं क्वालिटी भी अच्छा रहता है तो मैंने यहाँ से कुछ कुछ लिया है ये देखिए यहाँ पे हर चीज़ मिल जाता है यहाँ का रिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो जब भी मैं आलमबाग चंद्रनगर मार्केट आती हूँ ना इस दुकान पे तो जरूर ही आती हूँ तो अभी मैंने शॉपिंग कर लिया है मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया है बट थोड़ा बहुत करी हूँ भैया की शादी है तो मैं इसलिए सोच रही हूँ ना कि थोड़े थोड़े करके शॉपिंग कर लूँ क्योंकि एक ही बार में फिर नहीं समझ में आता है फिर हम नहीं ले पाते हैं कुछ तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर ज़रूरत के हर चीज़ मिल जाते हैं बट आप अपने हिसाब से लो कि आपको क्या चीज़ चाहिए मतलब हर चीज़ को मैं नहीं कहूँगी कि आप लोकल मार्केट से लो जैसे जो मतलब जैसे इनर वेयर वगैरह होते हैं तो ये सब मैं नहीं कहूँगी कि आप लोकल मार्केट से लो मुझे ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं बट जैसे कुछ और चीज़ें ज्वेलरी वगैरह हैं या फिर चूड़ा वगैरह है ना ये सब बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं लोकल मार्केट से तो मैं यही प्रेफर करती हूँ ना कि कुछ चीज़ें आप जैसे अच्छे दुकान से ले लो ऑनलाइन भी ले सकते हो बट कुछ चीज़ें जो हैं लोकल मार्केट से भी ले सकते हो यही यहाँ देखिए इस दुकान पर लहंगा कितना अच्छा रहा था क्रॉप टॉप था आई थिंक और यहाँ पर चिकनकारी कारी कुर्तियाँ चिकन साड़ी सब कुछ मिल जाता है इस मार्केट में बहुत अच्छे प्राइस पर तो मतलब बहुत अच्छा है यहाँ का मार्केट अगर आप कभी लखनऊ आते हो या फिर लखनऊ के हो तो आप तो आते ही होंगे बट लखनऊ आते हो आप कभी घूमने के लिए या फिर आ, मतलब जैसे भी आपको कभी ज़रूरत हो तो तो आप लखनऊ में आलमबाग में चंद्र नगर मार्केट जरूर आइएगा यहाँ पे आपकी ज़रूरत के हर चीज़ बहुत कम पैसे में मिल जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे आके तो शॉपिंग ज़रूर कीजिएगा मैं भी यहाँ पर शॉपिंग करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत कम प्राइस में मिल जाता है बहुत सारी चीज़ें मेरी शॉपिंग हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं घर और घर जाके मैं आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है यहाँ से तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा पूरा ब्लॉग देखिएगा देखिएगा कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है बहुत कम पैसे में बहुत सारी चीज़ें खरीदी हूँ मैं और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे थे ना तो बारिश स्टार्ट हो गया था और बारिश में हम लोग को यहाँ पे रुकना पड़ गया था क्योंकि बारिश तेज़ होने लगी ना तो भींगने लगे थे हम लोग बाइक से थे मैं और मेरे पतिदेव तो हम लोग यहाँ पे रुक गए कि बारिश रुकेगी तब चलेंगे हम लोग साढ़े आठ बज चुके हैं मैं फ्री हो चुकी हूँ मैंने डिनर बना लिया है और जब मैं मार्केट से आई थी उसी टाइम सोचे कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने आज क्या क्या खरीदा है मार्केट गई थी आप लोग देखे होंगे तो जब मैं मार्केट गई थी तो मैं सोची कि क्या क्या खरीदी दिखा दूं आप लोग को बट आने के बाद ऐसा होता है कि अभी कोविड के टाइम पे हम लोग के यहाँ रूल बन गया है हमारे घर में कि आप बाहर जाते हो घर से बाहर निकलते हो तो घर आने के बाद नहाओ कपड़े चेंज करो उसके बाद ही आप घर में कुछ भी करो तो फिर वो मैं नहाने धोने कपड़े चेंज करने में फिर मेरा टाइम जो है खत्म हो गया और उसके बाद लाइट ही चली गई थी तो मैं क्या बात करती आप लोग से कि आप लोग जानते ही हो कि शहर की लाइफ कैसी होती है बिना लाइट के कुछ होता ही नहीं है अंधेरा हो जाता है रूम में यहाँ के घर के बनावट भी वैसे ही होते हैं तो इसलिए मैं आप लोग से बात ही नहीं कर पाई दिखाई ही नहीं उसके बाद फिर डिनर बनाने का टाइम हो गया तो डिनर बनाने चली गई साढ़े छह के बाद और उसके बाद बस यही सब मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो अभी साढ़े आठ बजे मैं फ्री हो चुकी हूँ मैं डिनर बना के आ चुकी हूँ तो सोचे कि चलो क्यों ना क्यों आप लोगों को दिखा दू जो भी मैंने लोकल मार्केट से शॉपिंग किए हैं तो बहुत सारे शॉपिंग किए हैं आज मैंने ब्लाउज सिलने देने गई थी उधर ही जिधर लोकल मार्केट पड़ता है उधर ही तो मैंने पति को कहा कि चलिए ना प्लीज थोड़ा देर के लिए हम लोग मार्केट घूम आते हैं तो नहीं जा रहे थे बट जबरदस्ती थोड़ा सा मैंने रिक्वेस्ट किया तो फिर चले गए और कल के ब्लॉग में आप लोगों को पता चल ही गया है कि मेरे घर में कैसे शादी है आप लोग बहुत सारे लोग गेस कर रहे थे कि ननद की शादी होगी बट ननद की शादी नहीं है और अभी मेरे भैया की शादी है तो भैया की शादी की ही तैयारी करी वो पिछले साल मेरी बहन की शादी थी ना तो एक महीने का ही टाइम था जैसे इंगेजमेंट हुआ था उसके बाद शादी का जो दिन था वो एक महीने का ही था तो उस टाइम पर मैं कुछ शॉपिंग ही नहीं कर पाई थी कुछ समझ में ही नहीं आया था एक ड्रेस मैंने लिया था उस पर भी बैंगल्स वगैरह कुछ नहीं ले पाई थी इयर वगैरह कुछ नहीं ले पाई थी बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि अभी टाइम है तो शॉपिंग कर लेती हूँ थोड़ा बहुत मतलब तो अच्छा लगता है ना कि सब चीज मतलब मैचिंग का हो हम भी थोड़ा अच्छे लगे सबके सामने तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी शॉपिंग करूं एक ही बार बहुत सारा नहीं हो पाता है इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी सी कर रही हूँ कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग कर रही हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शॉपिंग कर रही हूँ तो अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ऑफलाइन कर रही हूँ तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ऑफलाइन में मैंने आज क्या क्या खरीदा है दिखाती हूँ तो ये मैंने लिया है बैंगल ये देखिए ये बैंगल है ये बाला बोलते हैं हम लोग इसको आ, जब हम लोग छोटे थे तो ये पहना करते थे अपने हाथों में बहुत प्यारा लगता था और आज मैंने फिर ये लिया अपने लिए ज्यादातर मैं ऐसे ही एक ही कंगन पहना करती हूँ ज्यादा बहुत ज्यादा चूड़ियाँ पहन के नहीं रहती हूँ क्योंकि फिर रोटी बेलने में ना वो बहुत आवाज़ करता है तो थोड़ा सा मुझे इरीटेटिंग लगता है वैसे अपना अपना शौक वैसे पूजा पाठ त्यौहार वगैरह में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बहुत सारे बैंगल्स पहनना बट जैसे रेगुलर ना मुझे एक ऐसे इस तरह के कंगन पहनना ही अच्छा लगता है तो ये कंगन मैंने लिया है बट इसको लेने के बाद मुझे थोड़ा सा ना रिग्रेट फील हो रहा है क्यों रिग्रेट फील हो रहा है क्योंकि ये मुझे सौ रुपये का मिला है और मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा महंगा मिल गया क्योंकि ये मुझे लग रहा है पचास रुपये तक तो ठीक था बट सौ रुपये थोड़ा सा महंगा लग रहा है घर आने के बाद मुझे थोड़ा सा रिग्रेट फील हो रहा है पछतावा हो रहा है बट आप लोग बताना कि क्या इसका प्राइस सही है या फिर महंगा मिल गया या मुझे पता नहीं तो चलिए कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है गलती से और इसके बाद मैंने बहुत सारे चीजें लिए हैं तो ये मैंने लिया है हेयर एक्सटेंशन इसको हेयर एक्सटेंशन ही बोलते हैं ना जो यहाँ जैसे हम लोग बन बनाते हैं जैसे मैं शादी में मान लीजिए बन बनाऊंगी तो ये ऐसे हेयर बैंड की तरह यूज करते हैं इसको यहाँ बन पे या फिर जैसे भी मतलब हेयर स्टाइल बनाते हैं ना तो उस उसपे यूज करते हैं तो ये मुझे डेढ़ सौ का मिला है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा ये मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया था ना तीन चार सौ का ऐसे करके था तो महंगा लग रहा था मुझे तो ये आज मुझे मार्केट में दिख गया तो मैंने ये ले लिया जो दुकान वाले भैया थे वो बोल रहे थे आई थिंक इसको ढाई या साढ़े तीन सौ बोल रहे थे बट मैंने कहा कि डेढ़ सौ में देंगे तो ठीक है वरना रहने दीजिए तो फिर नहीं मान रहे थे लेकिन फिर मैं आने लगी ना तो दे दी ये डेढ़ सौ का है जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा नग लगा हुआ है इसमें बहुत प्यारा और इसके बाद मैंने लिया है ये इयर रिंग ये मैं जल्दी ही पहनूंगी किसी वीडियो में तो आप लोग देखना ये इयर रिंग मैंने लिया है जो कि मुझे कितने का मिला है ये इयर रिंग जो है ये मुझे मिला है पचास रुपये का एक शॉप है आलमबाग में जहाँ पे आपको पचास रुपए में हर चीज मिलता है कुछ भी आप लो तो पचास रुपए का तो ये मुझे पचास रुपए का मिला जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा तो इसलिए मैंने इसको ले लिया इस तरह के अः व्हाइट कलर के नगल सॉरी मोती लगे हुए हैं जो कि बहुत प्यारा लग रहा है झुमका है झुमका वाला बाल है ऐसा मेरे पास और भी है जब मैं शादी करके आई थी तो उस टाइम अपने मायके से खरीद के ले आई थी तो ये मुझे पचास रुपए का मिला तो ये मैंने ले लिया इसके बाद मैंने लिया है ये रिंग ये वाला रिंग जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा और ये ये जो रिंग है ये भी पचास रुपए का है रिंग मैंने बहुत सारे लिए हैं ये रिंग भी मैंने लिया है तो ये रिंग भी जो है ये भी पचास रुपए का है और ये दो रिंग हो गए इसके बाद मैंने लिया है ये रिंग ये गोल्डन कलर में है ये गोल्डन कलर में तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये भी ले लिया इसके बाद एक ये है जो वाइट कलर में है तो ये वाइट कलर का मैंने मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा तो ये भी ले लिया मैंने और इसके बाद एक ये और है छोटा सा प्यारा सा तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये भी मैंने ले लिया तो पांच रिंग मैं ले चुकी हूँ ये देखिए पांचों चार उंगली में मैं पांच रिंग पहनी हुई हूँ ये ग्रीन कलर का है ये ग्रीन नहीं फिरोजी कलर का है ये ये रेड कलर का है और ये जो है गोल्डन कलर का है ये वाइट कलर का है और ये सिंपल सा है बहुत ही सिंपल सा तो ये पांचों रिंग मुझे बहुत पसंद आए थे इसलिए मैंने ले लिया आप लोगों को कैसे लग रहे हैं बताना ये मैंने पांच रिंग लिए ना ढाई सौ का था और ये एक एक ये लिया था मैंने ये बाली झुमका तो ये तो ये मुझे छः मिला के पाँच रिंग और एक ये इयर रिंग ये छः मिला के मुझे पड़ा था तीन सौ का पचास रुपये का एक था कोई भी चीज लो तो पचास रुपए का तो ये तीन सौ का और ये डेढ़ सौ का तो हो गया साढ़े चार और उसके बाद ये बैंगल्स ये कंगन मैंने लिए थे सौ रुपये के तो हो गया कितना साढ़े पांच सौ साढ़े पाँच सौ की शॉपिंग की हूँ मैम मैं बहुत ज्यादा महंगे शॉपिंग नहीं करती हूँ मतलब सस्ते सस्ते ही शॉपिंग करती हूँ आप लोग देखे होंगे ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हूँ ना तो ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि सस्ते शॉपिंग ही करूँ क्योंकि महंगे चीजें मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती हूं और मुझे उतना वो भी नहीं लगता है यार एक बार दो बार हम तो यूज ही करते हैं इन सब चीजों को और फिर उसमें मतलब दो चार सौ रुपये फंसा वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए तो गाइज आप लोग को आई होप कि आप लोग को मेरा ये शॉपिंग ब्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत